हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों के लिए एसेंशियल ऑयल का एक और वीडियो लेके आई हूं। तो आज मैं फेस मसाज का एसेंशियल ऑयल लेके आई हूं। तो लेमन एसेंशियल ऑयल की मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से आप अपने इसको यूज करके अपने फेस की जितनी भी टैनिंग है हटा सकते हैं, अन इवन स्किन टोन को इवन कर सकते हैं, और जो लोगों को भी हल्के फुल्के पिम्पल्स या ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो बहुत ही इफेक्टिव है ये। और बस आपको क्या करना है, इसको आपको एक या दो ड्रॉप लेके, अगर मैं अभी आपको पूरा वीडियो में इसका बताऊंगी, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोगों को भी फेस की प्रॉब्लम है उन्हें ये शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो जस्ट आपको अपने फेस को वॉश करना है बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से भी आप वॉश करते हो, फेस वॉश यूज करते हो। अगर आप फेस वॉश नहीं यूज कर रहे हो तो आप रोज वाटर का भी यूज कर सकते हो। तो कॉटन में रोज वाटर के लोए के अपने फेस को क्लीन करिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो बेस चाहिए इसे मालिश करने के लिए, वो है कोई भी पैरासूट ऑयल ले सकते हैं, यानी कि कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे मैंने दो एसेंशियल्स ऑयल्स यूज करती हूँ। एक मैं टर्मरिक का एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ और एक लेमन का एसेंशियल ऑयल यूज करती हूँ। और इसे मैं, जैसे कि आज मैंने लेमन का यूज किया है, तो मैं एक दिन ब्रेक करके टर्मरिक का यूज करती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को भी जैसे पिम्पल्स के दाग हैं या फिर ब्राउन स्पॉट्स हैं, जैसे पिम्पल्स के दाग हैं, उन लोगों को टर्मरिक का यूज करना चाहिए। यानी पिंपल्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, किसी तरह के भी स्पॉट्स हैं, वो लोग टर्मरिक का यूज करें। और सेकंड चीज, जिन लोगों को जैसे स्किन में ग्लो चाहिए या फिर कुछ भी चमक नहीं है या बेजान सी त्वचा है, वो लोग लेमन का यूज करें। मैं वैसे दोनों यूज करती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत स्पॉट्स हैं तो वो भी चले जाएं, तो आप भी दोनों यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि इसे कैसे लगाना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, मैंने इसमें छोटा सा एक पॉइंट किया हुआ है, जैसे मैं इसे निकाल लेती हूँ, तो आपको यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालूंगी, आपको सिर्फ दो बूंद ही डालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आज मैं लेमन का यूज कर रही हूँ, ये नाइट है और मैं नाइट में इसकी मसाज करके सोऊंगी। आप भी इसकी बहुत आसानी से मसाज करके सो सकते हैं। तो एक बूंद, तो मैंने दो बूंद इसकी डाली। बहुत थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं, इसीलिए जो इतना छोटा सा है काफी दिन चलेगा। और आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। कभी भी एसेंशियल ऑयल डायरेक्ट अपने स्किन पे मत अप्लाई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। या जो लोग जैसे स्पेसिफिक नाइट क्रीम लगाते हैं, तो वो लोग नहाने से 15 मिनट पहले इसे लगा के अच्छे से मसाज कर लें। और आज भी आपको एक या दो मिनट करनी है। मैं इसे इस समय रात में यूज करके सो रही हूँ। मसाज करिए, कभी भी ऐसे मत करिएगा वरना जो आपकी स्किन है वो लटक जाएगी। हमेशा अपर डायरेक्शन में मसाज करिएगा। और अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज नहीं करेंगे, यानी जैसे कि आज आपने यूज किया है, अल्टरनेटिव डेज पे आपको यूज करना है। आप यूज करिए, एक दिन छोड़िए, फिर आप टर्मरिक यूज करिए, फिर एक दिन आप छोड़िए, आप लेमन का यूज कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई जरूर करिए। स्किन में एक बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। और
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि नहाने से पहले आपको इसे मतलब 15 मिनट आपको इसके अपनी स्किन पे रखना ही रखना है। नहाने से 15 मिनट पहले इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, मसाज कर लीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बाद नहाने चले जाइए। और उसके बाद अगर जैसे जो लोगों को मॉर्निंग में जल्दी नहाना पड़ता है, जैसे मैं भी हूँ, मुझे भी मॉर्निंग में उठ के जल्दी नहाना पड़ता है, मैं नहाती हूँ सुबह जल्दी, तो उन लोगों के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप नाइट में इसे यूज कर सकते हैं एज अ नाइट क्रीम। तो मैं इसे एज अ नाइट क्रीम ही यूज करती हूँ, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जो स्किन है वो रिपेयर मोड पे जाती है, हमारी बॉडी रिपेयर मोड पे जाती है, इसीलिए कोई भी नाइट क्रीम जो है वो हमारी स्किन पे थोड़ी सी आप देखते हैं कि उसकी जो लेयर होती है वो थोड़ी सी चिकनी होती है। तो इसीलिए हमेशा जो है वो क्रीम जो है वो रात में लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो अच्छे से रिपेयर हो। इसीलिए हम कोई भी ड्रिंक जब पीते हैं, नाइट ड्रिंक पीते हैं, तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड पे होती है, तो काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। इसीलिए मैं इसे एज अ नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने आपको, मैं पास से दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी मेकअप नहीं किया है, फिर भी आप मेरी स्किन पे ग्लो देख सकते हैं, नेचुरल ग्लो देख सकते हैं। एक्स्ट्रा ग्लो नहीं है कि फेस एकदम से शाइन करने लगेगा, सूरज हो जाएगा। जो आपका नेचुरल ग्लो है या आपका जो नेचुरल कलर है या पॉल्यूशन या फिर धूप की वजह से वो चला गया है, तो ये उसको पूरी तरह से लेके आएगा। मैं कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं करती हूँ, जो भी लाती हूँ ओरिजिनल लाती हूँ। इसीलिए मैं बात कर रही हूँ कि आपकी जो खुद की स्किन है उसे ये ग्लो करेगा। अगर आप गोरे हैं तो आपकी स्किन को अच्छा करेगा, अगर आप हल्के से सांवले हैं तो उसे वैसा बनाएगा, क्योंकि स्किन के टेक्सचर की कोई बात ही नहीं है, ना ही गोरा ना ही काला, जैसे भी हो सुंदर हो, बस मन के सुंदर होने चाहिए। तो अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं ऐसा हूं, या अपने मन से घमंड निकाल दीजिए कि मैं बहुत गोरी हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी ही स्किन टेक्सचर को इतना ग्लो करिए कि लोगों को काफी अच्छा लगे। आपने भी देखा होगा कि जो हमारे यहाँ मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स चुने जाते हैं, वो इस पे नहीं चुने जाते हैं कि वो गोरे हैं कि काले हैं, वो हमेशा इस पे चुने जाते हैं कि उनका माइंड कैसा है, और सबसे बात उनकी जो स्किन इतना ग्लो करती है। तो चलिए अपने मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। अगर आपको भी किसी तरह का कोई वीडियो मुझसे चाहिए तो फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा। और जो लोग वेट को एक्चुअल में लॉस करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां रोज तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हर दूसरे दिन अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या ले रही हूँ, लंच में क्या ले रही हूँ, डिनर में क्या ले रही हूँ, कौन सा ड्रिंक ले रही हूँ। तो मुझे फॉलो करना, फटाफट स्टार्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।